आजादी के कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का अंचल कांग्रेस की तरह नीलाम होने नहीं देंगे। सर ये सारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओपोजिशन के लीडर कल पूछ रहे थे कि लद्दाख में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। सर शिंकुल्ला टनल, तकलांगला टनल, लचुंगला टनल, सारा DPR बनने का काम हुआ है। मैं सर युवा और खेल के संबंधित थोड़ा बोलूंगा, फिर मैं जम्मू कश्मीर धारा 370 इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आऊंगा। सर एक दो पॉइंट सर जरूरी। कल अधीर रंजन जी पूछ रहे थे कि चाइना आके हजारों किलोमीटर लेके गया, ये सच बता रहे हैं सर, चाइना आके हजारों किलोमीटर लेके गया। मैं डेटा के साथ बताऊं, अक्साई चीन 27,250 किलोमीटर 1962 में कांग्रेस के टाइम पे लेके गया, ये रिकॉर्ड में जाना चाहिए। त्यापंगनाक छबजी वैली जो कोरजोक से 250 किलोमीटर चुमूर एरिया में 208 तक UPA सरकार के टाइम पे ले गया, अधीर रंजन जी सच बता रहे हैं। जोरावर फोर्ट जो धिमजोक में थे उसको तोड़ के चाइना के PLA ने 2008 तक वहां पे ऑब्जर्विंग पॉइंट बना दिया 2012 तक, ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ। उसी तरह धूमचेले जो एंशियंट ट्रेड पॉइंट है 2008 से 9 तक वो भी ले गया, तब सरकार में कौन थे, कांग्रेस थे। लेकिन आज मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो देश के सुरक्षा केवल प्रधान सेवक ही नहीं बल्कि प्रधान रक्षक बन के जो है देश के सीमा को इतने मजबूत करके 10-20 गुना इंडियन आर्मी उधर तैनात करके देश के सीमा को इतना मजबूत किया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं सर, आजादी के कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का अंचल कांग्रेस की तरह नीलाम होने नहीं देंगे। सर सर आर्टिकल 370 पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा क्योंकि सदन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बड़ा अच्छा इमोशनल स्पीच दिया और उन इशारे में यह बता दिया कि ये सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है, ये जो है धर्म निरपेक्ष करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सदन में सर, जब फारूक अब्दुल्ला साहब के सरकार वहां पे थे 370 वो लोग इंजॉय कर रहे थे, गुज्जर बकरवाल समुदाय जो गुज्जर बकरवाल समाज जो है 100% मुस्लिम है सर, कभी ऊपर उबारने नहीं दिया। लेकिन ये सरकार ने 370 हटने के बाद कल DDCA इलेक्शन चुनाव किया, गुज्जर बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके उस मुस्लिम समाज को जो पिछड़े थे दबे थे उसको उठाने का काम जो है इस सरकार ने किया, ये मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं सर। सर 370 हटने के बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी वहां आने लगा सर, वहां पे जो है DDCA इलेक्शन हुआ, वहां पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, वहां पे जो है आज केवल 87 MLA का इलेक्शन नहीं, 40,000 से ज्यादा 5 सरपंच इलेक्टेड है इस सरकार के दौरान, 3,000 से ज्यादा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन इलेक्टेड है, 280 से ज्यादा DDCA का मेंबर जो है वहां पे, और इतना जितना भी चुनाव हुआ उसमें एक बंदूक नहीं चले, एक चिड़िया के जान तक नहीं गया। वाजपेयी साहब कहते थे जमहूरियत कश्मीरियत और इंसानियत, इससे बढ़िया जमहूरियत हमें क्या चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट जो है टेररिस्ट के लिए माना जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बुरा लगेगा, उन डिस्ट्रिक्ट्स में इस बार 60-70% वोट होने लगा, 70-80 साल के बुजुर्ग जो है खुद चल के वोट डालने के लिए आया, जो पिछले 30 साल तक वोट डालने के लिए नहीं आया सर। तो इससे ज्यादा जमहूरियत क्या चाहिए। इस सरकार के दौरान कश्मीर में शूटेड साइट का एक बार भी ऑर्डर नहीं हुआ, इससे ज्यादा इंसानियत क्या चाहिए, इससे ज्यादा जमहूरियत क्या चाहिए, इससे ज्यादा कश्मीरियत जो पीसफुल और क्या चाहिए। जो अटल जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया उस पे माननीय मोदी जी के सरकार चलने का जो काम कर रहा है। सर मैं एक जरूर ध्यान आपके आकर्षित करना चाहूंगा, जो आज फारूक साहब ने यहां पे कहा कि यह सरकार मुस्लिम को नहीं पसंद करता, ऐसा नहीं है सर। ये फारूक साहब मुस्लिम है, आप हिंदू है, हम बौद्ध है, हम ये सारा ये जो है ये इस देश का खूबसूरत गुलदस्तान है, लेकिन कुछ आइडियोलॉजी से हमें प्रॉब्लम होते हैं सर। फारूक साहब कहते हैं चीन के मदद से 370 वापस लाएंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी कहते हैं जब तक 370 वापस नहीं आएंगे तिरंगा नहीं उठाएंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। कारगिल में कांग्रेस का काउंसलर कहते हैं आधा लद्दाख यानी लेह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस चाइना को दे देना चाहिए, ये हमें स्वीकार नहीं है। ऐसा विचारधारा जो है हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए जो है ऐसे विचारधाराओं के साथ हम अंतर करते हैं, अन्यथा
देश के मुसलमान के साथ, देश के क्रिश्चियन के साथ, देश में जितने भी लोग रहते हैं किसी के साथ हमें प्रॉब्लम नहीं है। इस देश का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, तो और भी बहुत सारे हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर में लगा के, रोशनी एक्ट में जमीन घोटाला कितना हुआ, क्रिकेट में कितना घोटाला हुआ, वो सारा धीरे धीरे बाहर आ रहा है सर। कस्टोडियन और इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट खत्म करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय के कमी, आपने मुझे बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी।